आज हमारे पास आए हुए हैं एक भैया हैं जो हमारे ही नगर से हैं और इनका भी चैनल मोनेटाइज होने के लिए है और जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग टाइम पूरा ये कर चुके हैं। तो इनका ये जो चैनल है आपको दिखाते हैं, खोलना सर जी। आपका शुभ नाम क्या? अपना शुभ नाम बताओ। अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह। आपका चैनल का नाम क्या है? फनी नंबर 20। फनी नंबर 20। चलिए मैं इनको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपको दिख रहा है फनी नंबर 20। इनका यूट्यूब चैनल है, इनको सपोर्ट करिएगा और इनका जो है चैनल मोनेटाइज होने के लिए है। तो ये हमारे पास आए हुए हैं पता करते हुए, जिनका आप देख सकते हैं 1227, अभी जो है 1227 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 4000 वाचिंग टाइम में वो क्लियर हो चुका है। लेकिन इन्होंने छोटी छोटी कुछ गलतियां की हैं, वो आपको भी बताते हैं। इन्होंने जो गलतियां की हैं वो गलतियां हैं रीयूज कंटेंट वाली। रीयूज जो कंटेंट आ जाता है, जैसे कि टाइटल जो होता है एक जैसा ही टाइटल इन्होंने लिख के रखा है। तो अभी हमने इनको फिलहाल ये बताया है कि आप जो है टाइटल को जो है मतलब चेंज कर लीजिएगा और थंबनेल जितने भी हैं उनको रीयूज कंटेंट जैसा मत रखिएगा, मतलब सारे थंबनेल वगैरह अलग अलग कर लीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना है। अभी अभी क्या है, अभी अगर जब हमने भाई साहब आपका मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया तो मोनेटाइज तो हो जाएगा, या हो सकता है कि वो चेक करते ही समय ही आपको रिजेक्ट कर दे, दोनों बातें हो सकती हैं। हमको तो ये लगता है कि जिस टाइम वो चैनल यूट्यूब टीम है वो जिस टाइम चेक करेगी, क्यों वो 24 से 36 घंटे लेती चेक करने में, जब वो चेक करती है तो बारीकी से चेक करती है, जब बारीकी से चेक करेगी तो आपको रीयूज कंटेंट में वो आपको नहीं एक्टिव नहीं करेगी, आपको चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगी। अगर एक बार मोनेटाइज रुक जाता है तो आपको कम से कम एक महीने के लिए या फिर रुक जाएंगे। वो अभी जो है आपको एक से दो दिन की मेहनत है सिर्फ, बहुत सही है, एक दिन ज़्यादा ज़्यादा तो एक दो दिन की मेहनत है, कर लीजिए आराम से, इसके बाद कर लीजिए ठीक है। कुछ नहीं, आपको एक गूगल एडसेंस बनाना है, हम बना ही देंगे आपका गूगल एडसेंस ठीक है, उसके बाद 5 मिनट लगते हैं फटाफट आपका मोनेटाइज कर देंगे, 24 से 36 घंटे में मोनेटाइज हो जाएगा। तो कुछ गलतियां हैं उनको मत करिएगा, अभी जो किया वो किया कोई बात नहीं, भला हो गया। क्राइटेरिया पूरी करना बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरु जी आप बताइएगा, 4 महीने लगे केवल? 4 महीने लगे, 18 मई का है, 18 मई से 4 महीने, समझिए भाई 4 महीने में। अब एज देख लीजिएगा, काफी 50, मतलब 50 प्लस, यानी 50 साल प्लस। नहीं, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, मैं 30 साल का हो गया। भाई देखिए, गुरुजी भी हैं, टीचर हैं ठीक, आप इनके चैनल को देखिएगा, मैं इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आपने कैसे शुरुआत की थी, आपको कहाँ से सीख मिली हमको यूट्यूब पर काम करना चाहिए? जी हमने यूट्यूब से ही सीखा, यूट्यूब से ही सीखा, यूट्यूब से, किसी से कोई और गुरु नहीं किया, कोई गुरु नहीं किया, वीडियो बनाने में, समझने में, ऐप को लोड करने में, सब कुछ जो है यूट्यूब से ही किया, मतलब कोई गुरु नहीं अभी तक है, मतलब कोई तो एक ऐसा, मतलब किसका चैनल देखते हैं, किसकी वीडियो देख देख के आप सीखे हैं? हम ऐसे ही डालते थे कि हमें ये चाहिए, जिसका आ गया उसी को देख लिया, किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को फॉलो नहीं किया, मतलब ऐसे एक आदमी को नहीं किया, किसी एक को नहीं किया, लेकिन एक तरह की वीडियो हमने कई लोगों की देखी। हाँ, मतलब समझने की पूरी कोशिश की, मतलब आपका गुरु जो है वो यूट्यूब ही है, यूट्यूब के और किसी को अपने आप भूले के सारा यूट्यूब है बनाना ही, हमने यूट्यूब सीखा, यूट्यूब चैनल भी बनाया यूट्यूब पे। अच्छा, और देखिएगा भाई, ये ओप्पो का एक छोटा सा फोन है, क्या मॉडल है इसका? अरे मॉडल तो A3S, A3S है, और हमें उसका 3 GB होगा ज्यादा, 2 GB। लो भाई, 2 GB से चैनल को मोनेटाइज करने जा रहे हैं, और आप लोग 5 साल पुराना 28 5-6 साल 256 8 GB रैम वाले फोन रखते हैं आजकल, जितने युवा है वो लोग नहीं करा सकते हैं, और 4 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? सही है, काम करेंगे तो होगा, जज्बा होगा जो हमारी ऑडियंस आपको लाइव सुन रही है, भाई काम करने का जो जज्बा है वो होगा, कुछ नया करने की कोशिश करिए। और गुरु जी ये टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या लॉ कॉलेज पे, लॉ कॉलेज से समझिएगा, वकालत पढ़ाते हैं लोगों को, वकील बनाते हैं, और खुद यूट्यूब पर निकाल, आप इतना पूरी टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम 1 घंटे मैनेज करते हैं केवल,
एक घंटे केवल पर डे, पर डे एक घंटे में हो जाता है तो डेली रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं या कभी दो, दो वीडियो पर डे दो केवल हमको गुरु जी एक वीडियो डालने में दिक्कत होती है 24 घंटे में एक वीडियो डालने में हमको भगवान दिखते हैं हम दो डालते हैं आप दो डालते हैं एक सुबह 10 बजे एक शाम को 4 बजे जाओ भाई भाई को चैनल को फॉलो करो और हमको भी सब्सक्राइब अगर जो नहीं किया कर लीजिएगा और इनका जरूर करिएगा आप किस तरीके से वीडियो डालते हो कुछ बताइए थोड़ा डिटेल में वीडियो क्या हम से गूगल सर्च करते हैं मैटर उसी पीडीएफ बनाते हैं और फिर एक रिकॉर्डर से उसको रिकॉर्ड करके एडिट करते और एडिट करके फिर लोड कर देते हैं मतलब कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगाते मतलब कुछ नहीं बताया कोई टेक्नोलॉजी नहीं डायरेक्ट कर दिए इधर से उठाया उधर रख दिया सीधा सीधा मतलब कोई अलग से कुछ नहीं किया मतलब एडिट करते हैं वो भी कैन वाचित नहीं कर रहे डायरेक्ट क्या लिए हम उसकी वे कम करते के रेंज कम एमबी में हो जाए इसलिए करते उसे एडिट बाकी वही सेम डायरेक्ट डालते देखिए यूट्यूब कट है मेरे में उससे करते हैं यूट्यूब कट नहीं किया मतलब दूसरा और किसी से कुछ भी नहीं करते केवल जो है यूट्यूब जो है अच्छा अच्छा केवल क्लियर करते बस इससे क्या केवल जो है वो केवल क्या करता है छोटे टुकड़ा है तो इकट्ठा कर देता है या फिर जो है कुछ कट करना है बीच से तो कट के लग कर देते हैं और जाके इसके अलावा कुछ नहीं करते बीच चलिए ठीक है मैं आपको एक दो चीज और बता देते हैं एक ऐप है बीएन ऐप ठीक है वीडियो एडिटिंग के लिए काफी अच्छा है वहां पर आपको सारे कट मिल जाएंगे और भी आप जितना भी मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने वीडियो को वहाँ कर सकते हैं निःशुल्क कोई पैसा नहीं लगता है तो बी एन ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी से आप वीडियो को एडिट करिएगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वहाँ पर आती है ठीक है बहुत अच्छा रहता है और क्योंकि मैं भी लगातार बी एन ऐप को ही यूज़ करता हूँ और एक यूट्यूब का भी एक ऐप आ चुका है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा होता है नॉइस वगैरह तो एकदम से नंबर वन हटती है वहाँ पर जो नॉइज़ मतलब ये बाहर की आवाज़ जो आ जाती है जैसे कि हम बात अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सामने वाली दुकान पे काम चल रहा है खट बड़ा तो जब आप ये वीडियो कल सुबह देखेंगे हमारा ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको कहीं पर भी खटपटी बाइक जो निकल रही कोई भी शोर बोल रहे होंगे हम और आप बात कर रहे होंगे हम तो यहाँ चक्की पीछे रहते हैं पता लगा वहाँ तो खटपट चक्की चलते रहते नहीं कोई भी चक्की उसके पीछे जो है चलाते अच्छा इसमें वो मसाब रहते थे क्या नाम उनका करता हरिओम चक्की है पीछे मकान है हरिओम हरिओम के पड़ोस में ही तो एक एक और पीछे, पीछे। उनके पीछे इधर अस्पताल के लिए चले जाते नहीं नहीं वहाँ पे नहीं लक्ष्मी के साथ वाली वहाँ पे नहीं हरिओम चक्की के पीछे उन्हीं का मकान है ना उन्हीं का अच्छा अच्छा जब हरि का मकान है उन्हीं का मकान चक्की वालों का ही और क्या रखा केवल मकान नहीं केवल दुकान है वहाँ कोचिंग के लिए दुकान लिए हाँ गाँव मेरा मेहंदीपुर कथावा के पास है वहाँ से अप डाउन करते पर डे भाई ये देखिएगा शहर से लगभग में 15 किलोमीटर दूर इनका गांव है कसावा के पास एक गांव है मेहंदीपुर गांव वहां के रहने वाले हैं आप इनसे सीखना चाहते हैं या आप मिलना चाहते हैं तो आप मिल भी सकते हैं ठीक है तो ये काफ़ी मेहनत करते हैं भाई तो आप लोग जाके सपोर्ट करिएगा बाकी इनकी जो भी दिक्कतें हैं मैं इनके चैनल पर एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कायदे से इनको समझा देता हूँ इसके बाद इनका चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देता हूँ तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी फिलहाल आप लोग ध्यान से दीजिएगा कि ऐसी गलतियाँ आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा जैसी गुरुजी ने की है ठीक है ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था जब इनका चैनल देखा तो उसमें ढेरों सारी गलतियाँ मिली तो मैं ये चाहता हूँ गुरुजी जैसे परेशान हैं वैसे बाकी और लोग हमारे सब्सक्राइबर या जो भी हमको देख रहा है हमारा व्यूवर वो परेशान ना हो तो चलिएगा फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय।